बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप शिमला में पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चारों सीट पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी है। कश्यप ने कहा है कि बीजेपी विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जा रही है। महंगाई और बेरोजगारी केवल अभी नहीं हुई, ये कांग्रेस के समय में थी। महंगाई एक सतत प्रक्रिया है और कांग्रेस के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। पार्टी हमारा संगठन लेकिन वहां पर लगा है और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं और इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी आज मुद्दा विहीन है, ना उनके पास कोई मुद्दा है, ना उनके पास नेता है। जैसा मैंने पहले कहा, केवल महंगाई और बेरोजगारी, इन दो विषयों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस के लोगों से, क्या ये महंगाई केवल 3.5 वर्षों में हुई? क्या इससे पहले महंगाई नहीं थी? और अगर आप कंपेरेटिवली देख लेंगे, अगर आप पिछला रिकॉर्ड भी उठाकर देखेंगे, तो हम देखेंगे कि ये तो निरंतर एक प्रक्रिया है जो चली आई है। महंगाई जो है ऐसा नहीं है कि अभी महंगाई बढ़ी है, ये तो हमारी सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं, केंद्र की सरकार भी प्रयास कर रही है, प्रदेश की सरकार भी प्रयास कर रही है।